नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस गुरु विकल चैनल पर। आज हम लोग ज्योग्राफी की क्लास पढ़ने वाले हैं, ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। देखिए, ज्योग्राफी भी काफी दिन से हम लोग का नहीं हुआ था, तो ज्योग्राफी का आज चौथा लेसन हम लोग पढ़ेंगे। उसमें हम लोग रिवर्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, भारत की नदियां पढ़ रहे थे। आज हम लोग गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, गंगा नदी तंत्र को पढ़ने वाले हैं। हमने इंडस रिवर सिस्टम पढ़ लिया है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ लिया है, और आज गंगा नदी को पढ़ने वाले हैं। देखिए, गंगा नदी निकलती है गोमुख नामक स्थान से। उत्तराखंड में एक स्थान है गोमुख नाम का स्थान, वहां पर ग्लेशियर है, एक हिमनद है, गंगोत्री ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है इसको। यहां से आप देखेंगे इस पॉइंट को, मान लेते हैं ये गोमुख नाम का स्थान है, गोमुख, गंगोत्री ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, और जब निकलती है तो इसका नाम भागीरथी रहता है। भागीरथी के नाम से निकलती है, अभी गंगा नहीं है, बल्कि वास्तव में यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यहां से भागीरथी जब निकलती है तो भागीरथी के नाम से जानी जाती है और चली जाती है, और लंबी दूरी तय करके करते हुए आती है देवप्रयाग नामक स्थान पर। यहां तक की कहानी हम लोग देखने वाले हैं। देवप्रयाग नामक स्थान पर, अब यहीं से देवप्रयाग से गंगा नदी का नाम गंगा लगता है, उसके पहले यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। और यह नदी आगे आकर यहीं पर बीच में इसी नदी पर एक डैम बना है, टिहरी डैम के नाम से जाना जाता है। टिहरी बांध, टिहरी नामक स्थान पर टिहरी डैम स्थित है, और यह भारत का सबसे ऊंचा डैम है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया। तो यह भी ध्यान रखना है, यह क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, तो टिहरी डैम है, जो कि किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फिर उसके बाद यहां एक पीक है, एक पर्वत है, बद्रीनाथ चोटी के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ नाम का जिला है। अच्छा, एक बार यूपी तो पहले 80 के एग्जाम में पूछा कि गोमुख ग्लेशियर या गंगोत्री ग्लेशियर किस जिले में, उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, तो यह उत्तराखंड का एक जिला है, उत्तरकाशी के नाम से जाना जाता है। उत्तरकाशी जिले से होकर यह निकलता है, उत्तरकाशी जिले से होकर निकलती है यह जो है भागीरथी नदी। फिर ये बद्रीनाथ जिला है, बद्रीनाथ पीक भी है, आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में। बद्रीनाथ जिले से यहीं पर एक ग्लेशियर है, नाम है सतोपंथ ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। सतोपंथ हिमनद के नाम से जाना जाता है, सतोपंथ ग्लेशियर के नाम से। और यहीं से एक नदी निकलती है, नाम है अलकनंदा। यही बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है, अलकनंदा, यहां लिख दे रहे हैं भाई, अलकनंदा नदी है, अलकनंदा। और आते हुए लंबी दूरी तय करते हुए यह देवप्रयाग नामक स्थान पर जाकर मिल जाती है। यहीं पर अलकनंदा, यह अलकनंदा, अलकनंदा, और इधर से आती है भागीरथी, दोनों का संगम होता है, भागीरथी और अलकनंदा का, और दोनों यहीं पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण। अब इसी के आगे से यह जो है गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट नदी, देखिए ध्यान रखें। तो क्वेश्चन पूछा आपके यूपी ट्रिपल एससी में ही कि भार गंगा नदी का नाम गंगा किन दो नदियों के मिलने से बनता है, तो गंगा नदी का नाम गंगा भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने से बनता है, और किस जिले से, देवप्रयाग नामक जिले से। अभी थोड़ी सी डिटेल चर्चा कर लेते हैं कि अन्य नदियां उत्तराखंड की कौन कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं। देखिए, यहीं पर एक नदी आती है, नाम है धौल गंगा नाम की नदी, धौल गंगा नदी है, और ये धौल गंगा नदी जाती है, एक जिला है, इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग, हिंदी में लिख दे रहे हैं विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर आकर धौल गंगा जाकर पंच प्रयाग के नाम से जानी जाती है। पांच प्रयाग हैं उत्तराखंड में, और ये नदियों के संगम है, इसको ध्यान रखेंगे पंच प्रयाग के नाम से। तो पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग, जहां पर जाके धौल गंगा नामक स्थान नदी जाके अलकनंदा से मिलती है। फिर इसके आगे आती है एक नदी है,
नंदाकिनी नदी, एक नदी है नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी मंदाकिनी नहीं भाई, नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी आती है और यहीं पर है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग नामक स्थान पर आकर यह नंदाकिनी नदी जाके मिल जाती है। फिर उसके बाद एक नदी आती है, नाम है पिंडर नदी। पिंडर नदी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि पिंडर किसकी सहायक नदी है, तो ध्यान रखना है उत्तराखंड में नेपाल से निकलती है और उत्तराखंड में बहते हुए जाके अलग नंदा की सहायक नदी है पिंडर नदी, और जाके यहाँ पे है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग नामक स्थान पर जाकर यह गंगा नदी से अलग नंदा नदी से मिल जाती है। देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो हम बोलते जा रहे हैं, अगर यहाँ पर सीन नहीं हो रहा होगा तो हम बोल रहे हैं, वहां से आप देख लेंगे कि कर्ण प्रयाग में आकर पिंडर नदी जाके मिल जाती है। और फिर यहीं पर है जो है केदारनाथ, केदारनाथ पीक है, केदारनाथ उत्तराखंड में ही एक स्थान है, आप नाम सुना होगा। केदारनाथ से एक नदी निकलती है, नाम है मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी भाई? मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी, मंदाकिनी। और यह मंदाकिनी नदी आती है रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी आके अलग नंदा से मिल जाती है और अंत में अलग नंदा आकर देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है। तो पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्रप्रयाग और पांचवा देवप्रयाग, ये पंच प्रयाग यहाँ पर उत्तराखंड में, और ये छोटी छोटी नदियां जाके मिल जाती है। और यही देवप्रयाग में आके भागीरथी और अलग नंदा मिलने से देवप्रयाग के आगे जो है गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। अब गंगा नदी जो है गंगा नदी के नाम से ओरिजिनली जानी जाती है, ठीक है। तो अब आगे हम लोग चलते हैं, अब इसी के आगे इसको मिटा के फिर से आगे की ओर हम लोग चलेंगे। अब आते हैं हम लोग, देखिए हमने देख लिया कि उत्तराखंड के देवप्रयाग जिले से होकर देवप्रयाग यहाँ पे है। अब उसका ऊपर का आप देख लेंगे, अगर जिन्होंने नहीं समझा है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक बार कॉपी में बना लेंगे, नोट्स तैयार कर लेंगे, तो फिर ये सब जल्दी कहीं मिलेगा नहीं, तो आपको कई बहुत घंटों की स्टडी करने के बाद ये सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो आपको अगर बना बनाया 5 मिनट 10 मिनट में मिल गया है तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, इसको ड्राइंग कर लेंगे तो दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। उसके बाद देवप्रयाग नामक स्थान पर जहां से गंगा नदी गंगा के नाम से जानी जाती है, देवप्रयाग से यहां से अब नदी नीचे की ओर चलेगी तो फिर यही ऋषिकेश जिला पड़ेगा उत्तराखंड का। उसके आगे फिर जाएंगे हरिद्वार जिला पड़ेगा, हरि का द्वार, हरिद्वार। अब हरिद्वार से, हरिद्वार, हरिद्वार से आगे अब उत्तर प्रदेश की ओर जाएंगे, सबसे पहले बिजनौर, यहीं पर बिजनौर जिला मिलेगा। बिजनौर उत्तर प्रदेश का, क्वेश्चन पूछ चुका है कई बार कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है, तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, यही बिजनौर से। और यहीं पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मध्य में सीमा बनाती है, लगभग 30 किलोमीटर की सीमा बनाती है, 30 किलोमीटर की सीमा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य गंगा नदी बनाते हुए बिजनौर जिले से प्रवेश कर जाती है। अब आगे आ जाएगी बिजनौर जिले से होते हुए, फिर उसके बाद फरुखाबाद के बाद कानपुर, कानपुर से फिर आ जाएगी, फिर उधर फतेहपुर होते हुए प्रयागराज इलाहाबाद में यहाँ पर आ जाती है कानपुर, यहाँ बीच में इंडस्ट्रियल पड़ेगा कानपुर, कानपुर, कानपुर के बाद यहाँ पर प्रयागराज में, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, इलाहाबाद के नाम से जानी जाती है। और उसके बाद प्रयागराज के आगे फिर वाराणसी, मिर्जापुर, वाराणसी होते हुए फिर यहाँ पर बिहार के मध्य, बिहार और यूपी के मध्य में यही गाजीपुर जिला पड़ेगा, गाजीपुर। और इधर बलिया, ये यूपी के ही हैं, और यहीं से बिहार की सीमा स्टार्ट हो जाएगी और यहीं से बिहार में प्रवेश कर जाएगी, यही छपरा जिला है, ठीक है। अब यहीं से बिहार राज्य में प्रवेश कर जाएगी, यहाँ पर लगभग 35 किलोमीटर की सीमा बनाए देगी, लगभग 35 किलोमीटर यूपी और बिहार के मध्य में
सीमा बना देगी यह नदी, ठीक है। अब उसके बाद यहीं जब नीचे की ओर चलेगी, आगे आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। फिर बिजनौर जिले, कानपुर, यहाँ प्रयागराज, फिर गाजीपुर और बलिया से 35 किलोमीटर की सीमा बनाते हुए और यह आगे फिर बिहार में बहते हुए झारखंड में प्रवेश करेगी और झारखंड और बिहार के मध्य लगभग 70 किलोमीटर की सीमा बनाएगी। क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से सबसे लंबी सीमा रेखा किन दो राज्यों के मध्य गंगा बनाती है? तो गंगा नदी झारखंड और बिहार के मध्य, झारखंड और बिहार के मध्य सबसे लंबी सीमा बनाती है, सीमा रेखा के आधार पर 70 किलोमीटर की सीमा बनाती है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में बहती है, 5 राज्यों में बहती है, इस बात को ध्यान रखना है। अब इंडिया, उत्तर इंडिया का हम मैप बना लेते हैं, उसमें आपको डिटेल में समझा देते हैं, वहां पर दिखा देते हैं। तो देखिए भाई, ये है उत्तराखंड, चलिए हमने रफ मैप बना लिया यहाँ पर हम समझने के लिए। हमने देखा उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से इधर अलकनंदा निकलती है, भागी देवप्रयाग में आकर यहाँ पर मिल जाती है, फिर यहाँ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी गंगा नदी और फिर यहाँ से बिहार में, बिहार से होकर झारखंड, झारखंड से वेस्ट बंगाल में जाएगी और यही फरक्खा नामक स्थान से ये नदी इधर चली जाएगी, पद्मा नाम से जाती है, बांग्लादेश में जाके बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिल जाती है और इधर इसे यही फरक्खा से इधर हुगली नाम से यह चली जाती है बंगाल की खाड़ी में, तो यह हुगली नदी के नाम से जानी जाती है, हुगली, हुगली। हुगली नदी को विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी के नाम से जाना जाता है। कारण यह है कि यहाँ बहुत दलदल है, इस वाले स्थान में कोई जो है बड़े जहाज नाव आते हैं, सिप आते हैं, तो इसके दलदल में फंस जाते हैं, तो लोग बहुत परेशान होते हैं, तो ये ऐसा आपका किसी नदी में नहीं होता जिस कारण कभी क्वेश्चन आ जाए आपके SSC में, UPSC में वन लाइनर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी के नाम से जानी जाती है हुगली नदी, जो फरक्खा डैम के बाद गंगा नदी का ही दूसरा नाम है, हुगली नदी के नाम से जानी जाती है जब यहाँ पर दो धाराएं बढ़ जाती हैं। अब देखते हैं भाई, फिर इधर से अब इसकी ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं, सहायक नदियां देख लेते हैं। देखिए भाई, गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, इन 5 राज्यों में उत्तर से दक्षिण क्रम में। भारत में 2525 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर बहते हुए भारत की सबसे लंबी नदी का खिताब जीतती है कौन? गंगा नदी। गंगा नदी में एक जीव पाया जाता है डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है, जिसे भारत सरकार ने संरक्षण देते हुए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। इलाहाबाद से लेकर हल्दिया, हल्दिया यहाँ पर हुगली का लास्ट पॉइंट है, हल्दिया पॉइंट, हल्दिया तक भारत का नेशनल वाटरवे बनाया गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है, जो भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग है, तो यह भी इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर से, यहाँ से यमुना नदी बहती है, निकलती है उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश जो है, फिर हरियाणा और दिल्ली होते हुए फिर से उत्तर प्रदेश में बहती है। तो देखो यमुना नदी कितने जिला, कितने राज्यों में बह रही है भाई? उत्तराखंड में यमुना नदी, अब यमुना को हम लोग देख रहे हैं, ट्रिब्यूटरी देख रहे हैं, यमुना नदी, यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है हिमाचल प्रदेश में, फिर उसके बाद हरियाणा में, हरियाणा, फिर उसके बाद दिल्ली और तब जाके उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, उत्तर प्रदेश में जो है यमुना नदी प्रवेश कर जाती है। तो यहां से उत्तर प्रदेश में आते हुए और यमुना नदी और नीचे ले आते हैं और इलाहाबाद में आकर गंगा नदी से मिल जाती है यमुना नदी, और यमुना भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ओ, सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की सबसे बड़ी, कभी क्वेश्चन आ जाए कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो वह यमुना नदी है, जो जाकर प्रयागराज में, इलाहाबाद में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। यह गंगा की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, दाहिने से मिलने वाली सहायक नदी है, गाजियाबाद इसी यमुना नदी के तट पर स्थित शहर है। फिर उसके बाद यहीं पर मालवा के पठार से होते हुए एक नदी जाती है, नाम है चंबल नदी, सॉरी चंबल नदी, चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, चंबल पहली नदी जो यमुना की सहायक नदी है, छोटी नदी यहां चंबल नदी। दूसरी एक नदी मिलती है जाके यमुना से मिलती है, सिंध, सिंध नदी, सिंध नाम की है, सिंध नहीं भाई, सिंध नदी,
ये जालौन जिले के पास में जाकर यह सिंध नदी इससे मिल जाती है यमुना से, ठीक है। ये इटावा के पास में, इटावा में जाके चंबल नदी मिलती है, फिर जालौन में जाके सिंध नदी मिलती है, फिर एक नदी बहती है, नाम है बेतवा नदी, बेतवा तीसरी नदी, बेतवा नदी, और बेतवा जाके हमीरपुर के पास, हमीरपुर जिला है उत्तर प्रदेश का, हमीरपुर में जाकर बेतवा नदी यमुना से मिल जाती है, और अंत में एक इंपॉर्टेंट नदी केन नदी, चौथी जो है केन नदी, चंबल सिंध बेतवा और केन जाके यमुना से मिल जाती है। उसके बाद यही यमुना जाके प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा की यह सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, ठीक है। यही केन के बाद एक छोटी सी नदी है जो है ये नदी चित्रकूट के पास से होकर बहती है। ये नदी भी छोटी सी नदी है, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, अभी नाम याद आएगा तो उसे भी जो है हम बता देंगे, वहां से बहती है और यह भी जाके मिलती है। फिर आगे देखते हैं, चलिए अभी याद आ जाएगा, इधर देखते हैं, फिर इसकी लेफ्ट, फिर राइट हैंड ही अगली नदी देखते हैं, तो यही इलाहाबाद से होते हुए इलाहाबाद और मिर्जापुर की सीमा के पास में एक नदी है टोंस नदी, टोंस नदी, इसे ही तमसा के नाम से जाना जाता है, तमसा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी जाके मिर्जापुर की सीमा के पास यह गंगा नदी से मिल जाती है, गंगा के राइट हैंड ट्रिब्यूटरी बन जाती है। फिर उसके बाद अमरकंटक से निकलकर एक लंबी सी नदी है जाके पटना के पास में गंगा नदी से मिल जाती है, सोन नदी। कभी क्वेश्चन आ जाए कि सोन किसकी सहायक नदी है, तो सोन जो है वह गंगा की सहायक नदी है, इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, और इसी सोन की एक सहायक नदी है, नाम है रिहंद, ध्यान रखना है भाई, रिहंद नदी। इसी नदी पर रिहंद डैम स्थित है, रिहंद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध यहीं पर है, गोविंद वल्लभ पंत डैम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मानव निर्मित सबसे बड़ा बांध है, जल की मात्रा बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो रिहंद डैम रिहंद नदी पर बना है, रिहंद जो है सोन की सहायक नदी है, और यही सोनभद्र जिले में। आगे पटना में जाके यह सोन नदी मिल जाती है गंगा से, और एक छोटी सी नदी है पुनपुन नाम की, पुनपुन गया के पास में, गया जिला है बिहार में, गया के पास में जाकर यह गंगा नदी से मिल जाती है पुनपुन नदी। तो ध्यान रखना है, गंगा की राइट हैंड देखें तो यमुना, तमसा या टोंस, सोन और पुनपुन गंगा के दाहिने तट से मिलती हैं, जबकि चंबल सिंध बेतवा और केन यमुना की सहायक नदियां हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग गंगा की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां हैं, बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां। अब आ जाते हैं भाई बाएं तट की बात करें तो यहीं से एक नदी निकलती है, नाम है राम गंगा, उत्तराखंड से निकलकर और उत्तर प्रदेश में जाकर मिलती है राम गंगा नदी, गंगा की पहली प्रमुख जो है बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है। फिर इसके बाद एक नदी है लखनऊ होते हुए निकलती है गोमती नदी, गोमती नदी के ही तट पर और जाके गंगा से मिलती है, गोमती नदी के तट पर ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित है, गोमती। फिर उसके बाद एक नदी है, नाम है घाघरा, घाघरा नाम की नदी, घाघरा। उसके बाद एक नदी है, नाम है गंडक नाम की नदी, गंडक। इसी को थोड़ी दूर में फैजाबाद अयोध्या वाले एरिया में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी नेपाल से निकलती है, काली गंडकी के नाम से जानी जाती है। इसी नदी में जो सालिकराम पत्थर होते हैं, जो पूजा पाठ में यूज किए जाते हैं, शिव जी मानते हैं, वह इसी गंडक नदी में, काली गंडकी नदी में नेपाल में मिलते हैं। तो गंडक जो है यह भी गंगा की सहायक नदी है। फिर है रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडक, और फिर कोसी नदी इसके बाद मिलती है, कोसी नदी, यह भी नेपाल से निकलती है, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सौरवा बिहार कहा जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बाढ़ आती है बिहार में, तो कोसी। और लास्ट में और महानंदा के नाम से जानी जाती है, महानंदा के नाम से, और वेस्ट बंगाल में जाके महानंदा इसकी सहायक नदी बन जाती है, महानंदा। गंगा नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है, सुंदरवन का डेल्टा, यहाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो बांग्लादेश और इंडिया दोनों मिलकर बनाते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। और यहीं पर यह हुगली नदी के नाम से जानी जाती है, और पद्मा नदी, एक बार क्वेश्चन आया था गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। एक और नदी है, नाम है दामोदर नदी, दामोदर नदी
छोटा नागपुर के पठार से निकलते हुए जाती है और जाके हुगली से मिल जाती है। तो कभी आ जाए कि दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो दामोदर हुगली की सहायक नदी है, यह भी ध्यान रखना है। तो यह गंगा और उसकी सहायक नदियों का अध्ययन हुआ, इसको हमने मोटा मोटा अध्ययन कर लिया है, इसको आप लोग बना लेंगे, लिख लेंगे और एक दो बार रिवीजन कर लेंगे। सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि दामोदर किसकी सहायक नदी है, आपके पास चार ऑप्शन होंगे तो आपको बताना होगा हुगली की सहायक नदी है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो है घाघरा किसकी सहायक नदी है, गोमती किसकी सहायक नदी है, या निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं तट से मिलती है, कौन सी नदी दाहिने तट से मिलती है, तो आपको इसका आंसर बताना होगा। पूछ लेगा गंगा सबसे लंबी सीमा रेखा किन दो राज्यों के मध्य बनाती है, तो झारखंड और बिहार के मध्य में 70 किलोमीटर की लगभग सीमा बनाती है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के क्लास को यही समाप्त करेंगे, मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।